सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे हो गए। तो बेसिकली बहुत बहुत स्वागत है मेरे बर्ड्स फन हाउस में। तो आज का जो वीडियो है वो है हम अपने बर्ड्स या जहाँ पे फार्म है हमारा या जहाँ पे सेटअप है बर्ड्स का या कोई भी क्रेज है उसके अंदर में हम कौन सा स्टिक देंगे जो जहाँ पे बर्ड बैठ सकता है, सिटिंग स्टिक जिसको बोलते हैं, बर्ड्स का बैठने के लिए कौन सा चीज़ देना अच्छा होगा, तो उस पर आज बात करते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो ये नारियल का रस्सी है और आप लोगों का मन में बहुत सारा क्वेश्चन होगा कि ये क्यों दिखा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है गाइस, बर्ड्स के बैठने के लिए बेसिकली आपको नीम का जो डाल है, नीम का जो लकड़ी है, उसको आप दे सकते हो अपने केज में। छोटे से केज है या बड़ा केज है या फार्म है उसके अंदर वो हम लोग नीम का लकड़ी इसलिए देते हैं ताकि बर्ड्स को एक बहुत बहुत बुरा हैबिट होता है जो कि कोई भी चीज़ देने से वो लोग च्यूइंग करना स्टार्ट कर देता है, उसको चबाना स्टार्ट करता है, क्योंकि उन लोगों का च्यूइंग टेंडेंसी वहाँ से बढ़ता है। इसलिए बर्ड्स को कोई भी चीज़ दोगे तो वो चबाना स्टार्ट करेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग जब भी अपने बर्ड्स को कहीं भी सेटअप करते हो या कोई केज है या बड़ा सा फार्म है या छोटा सा एवेरी है, उसमें आप नीम का डाल प्रोवाइड करो। नीम देख सकते हो, ये जो डाल है, ये जो लकड़ी है नीम का लकड़ी है और इसके ऊपर का जो छिलका है पूरा ये लोग पूरा चबा लिया है, तो ये लोग का जो च्यूइंग टेंडेंसी है बढ़ता है। कोई भी चीज़ देने से ये लोग चबाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने बर्ड्स के एवेरी में या बर्ड्स का कॉलोनी हो उसमें आप नीम का लकड़ी को ही प्रोवाइड करो ताकि बर्ड्स का जो च्यूइंग का टेंडेंसी है या चबाने का जो हैबिट है, साइड इफेक्ट या कोई कीटाणु या कोई रोग बोलते हैं उसको या कोई डिजीज़ उसको नहीं लगेगा और इसको चबाने से उसको हेल्थ में बहुत अच्छा भी होगा। तो आप देख सकते हो मेरे सारे केज में, चलो और दिखाता हूँ, सारे केज में मेरा लगा हुआ है ये वाला जो एवेरी है, इसमें कॉकटेल का है, इसमें भी आप देख सकते हो ये लोग भी पूरा चबा लिया है। लोग जितने भी लकड़ी देख रहे हो सारे नीम का लकड़ी है। तो चलते हैं और सारे एवेरी में दिखा देता हूँ। बोई आप देख सकते हो गाइस, इसमें भी नीम का ही लगा हुआ है, सबरे नीम का डाल है। इसको पेंट करना बाकी है गाइस, क्योंकि इसका पेंट पहले का उड़ गया, हट गया है, तो इसको भी पेंट करना बहुत जरूरी। इसमें भी जो लकड़ी देख रहे हैं आप वो भी नीम का ही है। तो ये वाला भी नीम है, देख सकते हो ये लोग पूरा चबा लेते हैं ऊपर का छिलका, तो इससे अच्छा ही है ये लोग को। तो ट्राई करो नीम का ही लकड़ी प्रोवाइड करने का। तो ये चलते हैं, मैं दिखाता हूँ अपने एवेरी में मैंने कैसे सेट किया हूँ। तो नीम का डाल था गाइस, जो नीम का जो मैं लगा के पहले रखा था इसको दिखाते गए, इसको पहले लॉक कर देते हैं। तो देख सकते हो, और जो ये जो गाइस देख सकते हो पूरा नीम का, जो नीम का पूरा देख सकते हो नीम का लकड़ी है और इसको भी बहुत से लोग स्विंग किया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो डाल है इसको पूरा चबा के ये लोग ख़त्म कर दिया है, पूरा वाइट कर दिया है। तो इससे क्या है ना, ये बर्ड को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और उसका हेल्थ भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका जो छिलका है गाइस देख सकते हो, ये सब जो छिलका दिख रहा है इसको खाने से लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं आप लोग सजेस्ट करूँगा कि आपका जो भी छोटा सा या बड़ा सा जो भी एवियरी है या छोटा सा केज है उस नीम का ही लकड़ी दो ताकि बर्ड्स का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अगर वो लोग चबा रहा है उसको तो बहुत अच्छा है, और नहीं चबा रहा है फिर भी अच्छा है क्योंकि उसमें कोई कीड़ा नहीं होता है और बर्ड्स का हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा अगर चबाएगा तो, क्योंकि नीम का छिलका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है बर्ड्स के लिए। तो बहुत सारा छोटा सा लकड़ी था मैं उसको हटा दिया हूँ अभी। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये बम्बू का है, ये बांस का है, इसको भी मैं हटा दूंगा। ऐसे फिलहाल ये झूलने के लिए ये लोग को रखा गया है, इंजॉय करते हैं लोग देख सकते हो, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा इसको थोड़ा डेकोरेट करने वाले हम नारियल का रस्सी है उससे हम
ऐसे बैठने के लिए, बर्ड्स को बैठने के लिए मैं बनाता हूँ, बना के पूरा सेट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहेगा इस, और वीडियो को आगे देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा गाइस। और हाँ, आप इस मुझे इस चैनल को सपोर्ट करते रहे गाइस, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, क्योंकि आप लोग का प्यार ही हम लोगों को क्या होता है ना, यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर है, आप लोग के प्यार से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को जोश मिलता है और जुनून मिलता है। तो ऐसे ही हम लोग को प्यार करते रहे गाइस। तो चलते हैं वीडियो को आगे देखते हैं। और ये छोटा सा चिक है यहाँ पे, तो देख सकते हो गाइस, इसको हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। ये सिंगल रस्सी है और ये नारियल का सिंगल रस्सी है, इसके साथ मैं इसको ऐसे ज्वाइंट करूँगा। ज्वाइंट करने के बाद ये थोड़ा सा मोटा होगा, ठीक है। तो चलते गाइस, इसको आगे देखते हैं। देख सकते हो भाई, तो देख सकते हो इसको डबल करने के बाद ज्वाइन करूँगा। तो करते गई इसको ज्वाइन, तो देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो इतना मोटा हो गया। और ऐसे ही मैं एक और बनाऊँगा, उसके साथ इसको मैं मर्ज करके मोटा सा रस्सी बनाऊँगा, ताकि उस लोग को बैठने में सुविधा हो। तो गाइस देख सकते हो ये बन के रेडी हो चुका है, और ये पहले सिंगल था, इसको मैं डबल कर दिया हूँ, तो इस टाइप से बनेगा। अब इसमें फिर इस टाइप का ही एक और बनाकर इसको मैं मर्ज करूँगा, तब जाके ये मोटा होगा और बर्ड्स को बैठने में सुविधा होगा। तो चलते हैं उसको बनाते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हो दोनों बन के तैयार हो गया। अब मैं दोनों को मर्ज कर दूँगा, तो इसके साथ आप दोनों को मर्ज करते हैं। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा मोटा हो गया है, और इसको मैं अभी ऐसे बना लूँगा, ताकि इसको मैं यहाँ से ऐसे हैंग कर सकूँ या इसको बांधने के लिए सुविधा हो। तो इस टाइप से करने के बाद आपके पास अगर मोटा सा तार है तो इस टाइप का हुक बना लो, और ऐसे हम इसको फंसाएंगे, ताकि वहाँ पे अटकाने में सुविधा होगा। तो गाइस केस के अंदर चलते हैं, और इसको मैं वहाँ पे फिट करूँगा, तो उसको भी दिखाते हैं आप लोग को, ताकि आप लोगों को आसानी हो कैसे मैं सेट किया हो, तो आप लोगों को दिखा। तो चले अंदर, तो मैं अब अंदर आ चुका हूँ, और इसको मैं सेट करूँगा। तो देख सकते हो इसमें सारे बजीज बैठे हुए हैं। तो गाइस मैंने जो लगाया था पहले, और इस टाइप का है, पूरा लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पे, और ये जितने भी पॉट है, जितने भी मटकी है, उसके सामने मैं लगाया हूँ, तो उसके ऊपर ऊपर जो जो मटकी है, जिसके सामने जो मटकी है, वहाँ से आराम से बर्ड्स जो है अंदर ढुक सकता है, ढुक जाएगा, और इजीली वो लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो इधर स्ट्रेचेबल है, इस पर बैठ के वो लोग कंफर्टेबल फील भी करेगा, और बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिन जाएगा भी। तो ट्राई करो ऐसे, नहीं तो आप अगर ये नहीं लगाओगे तो फिर आप जो नीम का डाल है उसको आप लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लगा के रखा हूँ। तो मैं इधर नहीं लगाना चाह रहा हूँ नीम का, क्योंकि नीम का जो डाल होता है स्ट्रेट नहीं होता है, जिसके वजह से अच्छा नहीं लगता देखने में, और फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप देख सकते हो मेरा एवेरी का स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ गाइस। तो एवेरी जितना बड़ा होगा उतना आपका बर्ड्स का हेल्थ बहुत अच्छा होगा, और बर्ड्स बहुत बड़ा सा साइज होगा, तो आप भी ट्राई करो बड़ा सा एवेरी बनाने का। तो चलो इसको मैं लगाता हूँ गाइस, उसको दिखाता हूँ आपको। आप तो गाइस देख सकते हो अभी मैं इसको हैंग फिट कर रहा हूँ, जो ऐसे मैं यहाँ पर फिट कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, तो ऐसे लाना है, और तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा स्पेस भी ज्यादा मिल गया। तो गाइज यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सारे बर्ड्स कितने अच्छे से बैठ गए हैं इससे। तो देख सकते हो बहुत अच्छा से लोग बैठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग को बैठने में। तो आप भी इस टाइप का बनाओ।
तो नीचे वाला राउंड, नीचे वाला जो है, और उसके बाद थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, उसके ऊपर एक और राउंड दूंगा मैं। तो आइडिया मिल गया होगा मैं कैसे बनाया उसको। इस टाइप से आप बना के लगा सकते हो, बहुत अच्छा है। ईजिली ये लोग यहाँ से बैठेंगे, ईजिली ये लोग ढूंढ सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। और आप जितना ज़्यादा टाइट करो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना ज़्यादा आप टाइट करोगे। तो ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि मेरा जो है वो केस जो नेट है उसमें ही मैंने टाइट किया हो, इसलिए मेरा थोड़ा सा लूज है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ईजिली ये लोग आ रहे हैं, देख सकते हो भाई, ईजिली आके बैठ रहे हैं लोग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोग को। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, गॉड ब्लेस यू, सपोर्ट ऐसे ही करते रहो। सो गाइज, देख सकते हो कितना अच्छा से लोग इजीली बैठ गया है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को बैठने में यहाँ पे।